Hello everyone, welcome to the Pharmacy India. So, हम ऑलरेडी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 और यूनिट 1 देख चुके थे, तो अब हम यहां पर बात करेंगे यूनिट 2 की. सो जो यूनिट 2 है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट जो है वो है रियोलॉजी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग चैप्टर, और इसको आसान बनाएंगे. पर हम सबसे पहले जानेंगे कि हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं. हम जानेंगे रियोलॉजी क्या होता है, न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, और क्या होते हैं लॉ ऑफ फ्लूइड्स, और साथ ही साथ देखने वाले हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, सुडोप्लास्टिक, डायलेटेंट प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपी एंड थिक्सोट्रॉपीन फॉर्मुलेशन. और इनके साथ हम देखेंगे कि आखिरकार विस्कोसिटी को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, और बाकी हम देखेंगे बहुत सारे विस्कोमीटर जैसे कि कैपिलरी, फॉलिंग स्पेयर और रोटेशनल विस्कोमीटर. और जो दूसरा पार्ट है हम उसमें बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की, जिसमें हम देखेंगे प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हैकल इक्वेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक मॉड्यूल्स. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चलते हैं रियोलॉजी, आखिरकार रियोलॉजी क्या होता है. मैं यहां पर क्लियर करूंगा, रियो देखिए दो वर्ड में इसको तोड़ा गया है, दैट इज रियो एंड लॉजी. सो रियो का मतलब होता है टू फ्लो, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी. सो इसका मतलब टू फ्लो और टू स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स इज नोन एज रियोलॉजी. मैं इसको यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं दैट इसकी डेफिनेशन कहती क्या है. डेफिनेशन कहती है दैट इट इज दैट साइंस दैट कंसर्न्स विद द फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड. मतलब रियोलॉजी हमारा मेनली ध्यान रखता है किसका, जो लिक्विड फ्लो करता है और जो सॉलिड है, मैं बात कर सकता हूं सेमी सॉलिड, जो सेमी सॉलिड डिफॉर्म होता है उसके बारे में हमें रियोलॉजी बताता है. अब मैं यहां पर आपको क्लियर करता हूं कि आखिरकार रियोलॉजी पढ़ने का क्या तात्पर्य है और क्या मेन रीजन है. देखिए रियोलॉजी, आप कहीं पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम सारी चीजें बनाएंगे, तो उनके फ्लो के बारे में हमें पढ़ना जरूर है, और उनके किस तरह का नेचर होता है वो भी हमें जानना जरूर है, और वो हमें बताता है रियोलॉजी. सो चलिए देखिए, अब रियोलॉजी आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस आपने देख भी ली होंगी, पर हम यहां से बेसिक्स से बात करेंगे कि आखिरकार रियोलॉजी का बेसिक्स कहता क्या है. चलिए सबसे पहले यहां पर एक चीज, जब रियोलॉजी आप आगे पढ़ेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा. सबसे पहले होता है शीयर स्ट्रेस. शीयर स्ट्रेस आखिरकार क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं. सबसे पहले ये आप हैं, लेट सपोज ये एक एक्स नाम का एक लड़का है जिसका नाम है गोलू. गोलू नाम है इस लड़के का, और एक होता है मोलू, याद रखिएगा. सो यहां पर जो गोलू है वो क्या करेगा, गोलू ने एक तरह का फोर्स लगाया मोलू पर. यस, इसका नाम है मोलू, याद रखिएगा. तो अब ये मोलू क्या होगा, थोड़ा सा आगे को पुश होगा. तो हमने क्या किया, हमने इस फोर्स को बोल दिया शीयर स्ट्रेस, और ये थोड़ा सा आगे गया, मतलब इसको जब धक्का देंगे तो थोड़ा सा आगे को गया. तो इस ये जो हम ये थोड़ा आगे गया, हमने इसको बोला रेट ऑफ शीयर या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब कितना डिफॉर्मेशन हुआ या कितना इसकी बॉडी में चेंज आया, याद रखिएगा. मतलब शीयर स्ट्रेस लगाने पर कितना उसकी बॉडी में चेंज आया, यही हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा. मतलब शीयर स्ट्रेस लगाया तो आपको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कितना देखने को मिला, और यही चीजें हम देखने वाले हैं, याद रखिएगा. शीयर स्ट्रेस याद रखिएगा, और रेट ऑफ शीयर मतलब शीयर स्ट्रेस लगाने पर क्या हो रहा है वो हम बात करने वाले हैं. और इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए, शीयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शीयर को रखते हुए, हमारे फ्लो ऑफ लिक्विड को दो भागों में डिवाइड किया गया, जो कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. पर मैं यहां समझता हूं बेसिक्स हमें समझना जरूर है. सो पहला आता है फ्लो ऑफ लिक्विड्स में न्यूटोनियन सिस्टम. देखिए न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, मैं इसको डिटेल में आगे नेक्स्ट पार्ट में भी समझाने वाला हूं, पर याद रखिएगा. ये अब मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया, शीयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शीयर,
तो उसी चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर न्यूटोनियन फ्लो वो फ्लो होता है जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करे, ये याद रखिएगा, न्यूटन्स लॉ फॉलो करे, उसको हमने बोला न्यूटोनियन फ्लो। अब इसमें जो शियर स्ट्रेस आप लगाएंगे उतना ही हमें रेट ऑफ शियर देखने को मिलेगा। मतलब आपको अगर आपके आपके हाथ में ग्लास है, उसमें पानी है, उसमें पानी है और आपने चम्मच से उसको घुमा दिया, तो क्या होगा, जितना तेज आप घुमा रहे हैं उतना तेज ही पानी घूम रहा है, मतलब जितना शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना रेट ऑफ शियर देखने को मिल रहा है। सो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वॉटर इज ऑल्सो दी बेस्ट एग्जाम्पल, याद रखिएगा, ये न्यूटोनियन फ्लो कहलाता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है हमारा नॉन न्यूटोनियन, इसको यहां पर आप याद लिख लीजिएगा, दैट इज नॉन न्यूटोनियन। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसने ये बेसिक समझ लिया उसको पूरा चैप्टर इजी लगने वाला है। सो नॉन न्यूटोनियन, मैं यहां पर नॉन न्यूटोनियन आपका दो भागों में डिवाइड किया गया है और दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो कौन से हैं दोनों पार्ट, दैट इज योर टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब टाइम से कोई लेना देना ना हो, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। चलिए यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले आप, मैं इसको रब कर देता हूं, कौन कौन सी है आपका आता है प्लास्टिक फ्लो, जिसको हमने बिंगम बॉडी के नाम से भी जाना, याद रखिएगा बिंगम बॉडी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, देखिए मैंने यहां पर न्यूटोनियन फ्लो में एक चीज आपको यहां पर मैं शायद नहीं बता पाया, न्यूटोनियन फ्लो में कोई विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन विस्कोसिटी, इस बात को ध्यान में रखते रहिएगा, नो चेंज इन विस्कोसिटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विस्कोसिटी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब न्यूटोनियन फ्लो में जैसे कि पानी, पानी को आप अगर स्पून से मिला रहे हैं तो क्या पानी हमारा हनी बन जाता है, नहीं, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी सेम रहती है। बट नॉन न्यूटोनियन जो ये है इसमें विस्कोसिटी चेंज होगी, याद रखिएगा नॉन न्यूटोनियन में विस्कोसिटी चेंज होगी, इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। नाउ अब यहां पर फिर से आ जाते हैं टाइम इंडिपेंडेंट में, दैट इज योर प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो को हमने बोला बिंगम बॉडी और इसी से हमारा रिलेटेड है यील्ड वैल्यू, मैं यहां पर क्लियर करूंगा, यहां पर अभी हम केवल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे। सेकेंड होता है हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लो। सूडो प्लास्टिक फ्लो को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है शियर थिनिंग। यस यू आर राइट, शियर थिनिंग मतलब आपने शियर लगाया और सब्सटेंस थिन हो गया, सो इसको हमने बोला शियर थिनिंग, इसका नाम इसीलिए हुआ शियर थिनिंग। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारा डाइलेटेंट। देखिए डाइलेटेंट का दूसरा नाम होता है शियर थिकनिंग, याद रखिएगा इट इज ऑल्सो नोन एज दी शियर थिकनिंग, मतलब शियर आपने लगाया और सब्सटेंस थिक हो गया, सो इसको हमने बोला शियर थिकनिंग सिस्टम। चलिए अब मैंने यहां पर टाइम इंडिपेंडेंट की बात की, अब हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट की। सो टाइम डिपेंडेंट मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉपर्टी है वो टाइम पे ज्यादा डिपेंड कर रही है, मतलब समय का बहुत बड़ा रोल है, कभी कभी क्वेश्चन और क्लासिफिकेशन ये पूछ लिया जाता है। और इसमें कौन कौन सा आ जाता है, थिक्सोट्रॉपी और रियोपेक्सी। देखिए थिक्सोट्रॉपी में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जिसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, जेल से सोल बनना, सोल से फिर जेल बनना, ये आपका थिक्सोट्रॉपी कहलाता है। पर आपने देखा यहां पर आपने शियर स्ट्रेस लगाया तो वो सॉल्यूशन बना, अब यहां पर आपने शियर स्ट्रेस को रिमूव कर लिया, SSR मतलब रिमूव, तो वो कुछ ही समय बाद अपना इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। मैंने वो क्या बोला, कुछ ही समय बाद, मतलब समय जरूर इन्वॉल्व है, तभी बोला गया इसको टाइम डिपेंडेंट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं रियोपेक्सी, रियोपेक्सी क्या कहलाता है, रियोपेक्सी है होता है आपका, देखिए री वर्ड आ रहा है, दैट इज रिफॉर्मेशन, किसका, डिफॉर्म्ड जेल स्ट्रक्चर का, याद रखिएगा रिफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्म्ड जेल स्ट्रक्चर बाय डूइंग जेल जेंटल मूवमेंट, इसको बोला गया डिफॉर्म्ड जेल, ठीक है, सो इसको बोला गया रियोपेक्सी। तो ये हमारा मेनली क्लासिफिकेशन है फ्लो फ्लूड का, हम क्या समझते हैं, हम स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करते हैं, पर ये हमारा बेसिक टूल है और मैं समझता हूं आपने बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिटेल से बात करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं कि
आखिरकार क्या होता है न्यूटोनियन, क्या होता है प्लास्टिक, और किस क्यों बोला, और क्या होते हैं इनके ग्राफ्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, फॉर योर एग्जाम्स, आपके जीपैट के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।